हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 11th एनसीईआरटी का पहला यूनिट हम चालू कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हम पहले इंग्लिश में ले रहे हैं, इसके बाद में हिंदी में भी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे उस वीडियो को देख लेना, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला यूनिट, जैसा मैंने कहा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप देखिए, रॉल्ड हॉफमैन ने केमिस्ट्री का क्या डेफिनेशन दिया। इन्होंने कहा कि केमिस्ट्री में हम सिर्फ एलिमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उनसे बने हुए मॉलिक्यूल्स को भी हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, पूरे दुनिया में जितने भी चीजें हैं सब कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बने हुए हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप के एटम्स से ये बनते हैं, इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। तो जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, अभी तक करीब 100 से ज्यादा 106-107 के आसपास नेचुरल एलिमेंट्स खोजे गए हैं, 106। बाकी जो एलिमेंट्स उसमें 114 115 एलिमेंट्स का नाम दिया रहता है, तो बाकी एलिमेंट्स तो आर्टिफिशियल है। तो जब इन्होंने, रॉल्ड हॉफमैन ने जब ये डेफिनेशन दिया था, तो करीब 100 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। तो इन्होंने कहा कि हम केवल ये 100 एलिमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इन 100 एलिमेंट्स के बने हुए मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स अनंत प्रकार के हैं, फाइनाइट टाइप के हैं, और उनसे ये पूरी दुनिया बनी हुई है। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री को निकाल देते हैं तो ये पूरी दुनिया जीरो हो जाती है। ठीक है, साइंस कैन बी व्यूज अंडर ए कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट्स टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो साइंस को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस नेचर को समझने के लिए। ठीक है, साइंस का मतलब विज्ञान है, और विज्ञान में हम पढ़ते हैं नेचर को, प्रकृति को, कि ये दुनिया किस तरह से बनी हुई है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से चल रही है, इन सब चीजों को हम साइंस में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू हैव लर्न्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंज इन देम इन डेली लाइफ। तो आप इन चीजों के बारे में वैसे तो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ठीक ढंग से क्लास 9 से आपने पढ़ा है कि हम अपने जीवन में किस टाइप की चीजों के संपर्क में आते हैं और उनके बदलावों को हम महसूस करते हैं कि कैसे वो चेंज हो रहे हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देखते हो कि मिल्क है वहां पर, फिर आप उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हो तो धीरे धीरे दही में बदल जाता है। तो आप इस टाइप के चेंजेस को बहुत सारी चीजों में देखते हो कि आप पानी लेते हो, आप उसको फ्रीजर में रख देते हो, धीरे से बर्फ बन जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में चेंज होते हुए देखते हो। तो वो चेंज कैसे होता है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में पढ़ते हैं। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम सुगर केन जूस, और कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस व्हिच वी कम अक्रॉस मेनी टाइम्स। तो दही कैसे बनता है आपको पता है, दही में क्या करते हैं, सबसे पहले दूध लेते हैं, उसमें थोड़ा पहले का दही डालते हैं, उसको स्टार्टर या इनोकुलम कहते हैं। उसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टोज जो शुगर होता है मिल्क में उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसमें एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं कैसीन प्रोटीन, उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में, क्लॉट फॉर्म में बदल देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम पैराकैसिन। तो ये दो चेंज होते हैं, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड और कैसीन से कैल्शियम पैराकैसिन, ये दो चीजें हैं जो दूध से दही में उसको बदल देता है। ठीक है, तो इस टाइप का काम दही बनने के लिए हो रहा है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, विनेगर में मेनली होता है एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड बनता है एल्कोहल से, और एल्कोहल बनता है शुगर से। तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि शुगर केन जूस, उससे हम पहले एल्कोहल बनाते हैं, फिर उस एल्कोहल से अपन एसिटोबैक्टर एसिटाइल की सहायता से अपन विनेगर बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम इसको देखेंगे आगे चल के चैप्टर्स में, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रेडॉक्स चैप्टर में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जब आयरन जो है मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, तब जो है वहां पर आयरन ऑक्साइड बनने लगता है, वही रस्ट है, वही जंग है। तो इस टाइप के चेंजेस हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारे जीवन में। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिफाइनेड इन टू वेरियस डिसिप्लिन्स। तो पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, इसके लिए हम
जो है साइंस को अलग अलग ब्रांच में हम बांट देते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको बांट देते हैं, ठीक है। और द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन। देखिए किस चीज का, मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का प्रिपरेशन, ठीक है, उसकी हम उसको कैसे बनाते हैं, उनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं, है ना। अगर वो कोई बायोलॉजिकल चीज से जुड़ा है तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, केमिकल फार्मूला वगैरह देख सकते हैं, रिएक्शन किस तरह से करता है वो ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम यहां पर केमिस्ट्री में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री जो है मॉडर्न साइंस का पार्ट है तो हम गलत समझ रहे हैं। आज से हजारों साल पहले के जो लोग हुआ करते थे उनको भी केमिस्ट्री का नॉलेज था, ये अलग बात है, उनका ये नॉलेज थोड़ा अलग प्रकार का था। जिस तरह से हम लोग आजकल केमिकल फार्मूला पढ़ के केमिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वैसा वो लोग नहीं पढ़ते थे। बावजूद इसके वो केमिस्ट्री को काफी बड़े स्तर पे यूज करते थे, काफी बड़े लेवल में यूज करते थे, ठीक है। तरह तरह की दवाइयां बनाते थे, तरह तरह की चीजें बनाते थे वो केमिस्ट्री के थ्योरीज को यूज करके, है ना। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इज टूडे इट टूडे इज नॉट ए वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। आज का जो केमिस्ट्री है वो पुराना नहीं है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो तो करीब पिछले 100-150 सालों में ही, 200 सालों के अंदर ही डेवलप हुआ है। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन शेक, रादर इट केम अप एज द रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो केमिस्ट्री को केवल केमिकल के लिए, केवल केमिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ते थे, बल्कि जो है दो चीजों की खोज के लिए केमिस्ट्री का विकास शुरू हुआ था बहुत पहले, हजारों सालों से मैं बात कर रहा हूं कि केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ। तो देखिए केमिस्ट्री का विकास हुआ पारस पत्थर की खोज के लिए और अमृत की खोज के लिए, ये दो चीजें हैं। देखिए पारस पत्थर जो है, पारस मणि जो है, एक ऐसा मणि होता था, पता नहीं अब काल्पनिक है कि सही में होता था पहले पता, ये जो पारस मणि था इसके बारे में आप सुने होंगे कि ये लोहे को या तांबे को सोने में बदल देता था। जैसे ही लोहे से टच करते थे पारस मणि को या तांबे को टच करते थे वो सोने में बदल जाता था। तो हर कोई इसको पाना चाहता था, तो इसको कैसे बनाया जा सकता था इस पर बहुत लंबे समय तक रिसर्च हुआ है। वैसे दूसरा जो चीज है वो है अमृत, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा चलता रहा है कि हम बूढ़े ना हो, हम मरे नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मौत से डरते हैं। और अमृत एक ऐसा चीज है जो किसी व्यक्ति को अमर कर सकता है और वो कभी नहीं मरेगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों की खोज के लिए ही केमिस्ट्री का विकास धीरे धीरे हुआ, भले ही वो जो चीजें दो चीजें नहीं मिली या मिली होंगी किसी को तो पता नहीं, लेकिन रिकॉर्डेड तो नहीं है कहीं पर है, तो नहीं मिली भले ही ये अमृत और पारस मणि, लेकिन बदले में हमको अनगिनत चीजें मिली जो केमिस्ट्री के प्रोडक्ट हम मान सकते हैं। तो वही चीज लिखा है, देखिए पहला चीज था फिलोसफर्स स्टोन, फिलोसफर्स स्टोन यानी पारस मणि, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स, जो एकदम आधारित धातु थे जैसे कि आयरन और कॉपर, ठीक है, ये सबसे सिंपल मेटल्स होते थे, इनटू गोल्ड। तो आयरन और कॉपर को गोल्ड में बदल सकने के लिए कैपेबल था पारस मणि, ऐसा मानते थे लोग, है ना, इसकी खोज करना चाहते थे। और दूसरा है एलेक्सियर ऑफ लाइफ, मतलब अमृत, ठीक है, अमृत आप सबको जानते हैं जो किसी व्यक्ति को अमर कर सकता है, इसकी खोज करने के लिए लोगों ने काफी रिसर्च किया। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक नागार्जुन करके थे, आगे उनका जिक्र भी आएगा, ये एक वैद्य भी थे, एक केमिस्ट भी थे, सब किस्म से नॉलेज थे उनको। कहा जाता है कि नागार्जुन साहब ने अमृत बना लिया था, फिर उनकी देवी माता का उनको स्वप्न आया जिनकी वो पूजा करते थे, ईश्वर तो है आप भी मानते होंगे सर, मैं भी मानता हूँ काफी, है ना। तो देवी माता का स्वप्न आया, बताते हैं कि बेटा तुम इसको नष्ट कर दो, ये पीने की चीज नहीं है, इससे अगर कोई अमर हो जाएगा तो अमृत तो जो है अच्छी चीज नहीं है, अगर कोई समझो कि अगर हमेशा जिंदा रहेगा उसके सामने लोग जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, तो उसके अपने लोग मरते रहेंगे तो उसको क्या सुख मिलेगा। तो नागार्जुन साहब को समझ में आया, फिर उसको उन्होंने नष्ट कर दिया था, ठीक है। तो एलेक्सियर लाइफ, एलेक्सियर ऑफ लाइफ व्हिच वुड ग्रांट इमोर्टेलिटी, तो जो अमरत्व प्रदान कर सकता था अमृत, उसकी खोज लोग करना चाहते थे।
People in ancient India already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science. तो आज जो हम मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं उससे हजारों साल पहले भी इंडियन लोगों को और दुनिया में जो दूसरे देश थे चाइना वगैरह उनके लोगों को भी काफी चीजें मालूम थी केमिस्ट्री के बारे में साइंस के बारे में. They applied that knowledge in various walks of life. ठीक है, और इसको अपनी जिंदगी में वो शामिल करते थे, उसको जीने में शामिल करते थे उस नॉलेज को, है ना. पहले के जो लोग थे वो ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से जीवन जीते थे. आपको हमेशा बुजुर्ग लोग सिखाते रहे हैं कि बेटा जल्दी सोना चाहिए आराम से, है ना, और जल्दी उठ जाना चाहिए. सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो है ज्यादा दिमाग को एक्टिव रखता है. तो वो सिर्फ कहावत नहीं है, ब्रेन में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना जो सुबह के टाइम पे ज्यादा बनते हैं तो दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है बोलते हैं. हालांकि देखिए मैं खुद भी रात में ज्यादा पढ़ा हूं क्योंकि रात में शांत माहौल रहता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो रात में पढ़ाई ज्यादा होती है. लेकिन एक अलग बात यह है कि जब से मतलब हमारी जो स्टडी लाइफ खत्म हुई, अब थोड़ा सा इसमें वर्क में आ गए, तो मैंने फिर सुबह उठने वाला काम शुरू किया है ना. मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, योगा ध्यान एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा कर लेता हूँ, तो उससे मेरी लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर मैं फील करता हूँ ना. तो लोग जो बोलते हैं ना वो सिर्फ कहावत नहीं है, वो नॉलेज है, वो साइंस है हर जगह. केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 CE. देखिए ये जो एल्केमी है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इन दोनों को आप पहले समझिए. एल्केमी का मतलब होता है रस विद्या. रस विद्या का मतलब क्या है? रस मतलब पहले रसायन को ही यानी केमिस्ट्री को ही रस कहा जाता था ना. तो शरीर में किस किस टाइप के केमिकल्स हैं उनका स्टडी करना, वो किस तरह से काम करते हैं उनकी स्टडी करना, ये एल्केमी के अंदर आता था, रस विद्या कहते हैं. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी उसी चीज से संबंधित है, का मतलब कि शरीर या जीवन कैसे चलता है, इनमें किस टाइप के केमिकल्स हैं, इन सब चीजों की स्टडी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते थे. और ये जो सीई लिखा है इसका मतलब है कॉमन एरा. आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको कॉमन एरा. अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कंटिन्यू इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ, एक ही चैनल में दोनों को मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको. ठीक है, तो आप हिंदी वाले में हिंदी में देखेंगे पूरा हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में पढ़ ही रहे हैं पर, है ना. तो आज से करीब 400 से 700 साल पहले, अभी 2020 चल रहा है, ये 1300-1600 ईस्वी की बात है, तो 400 से 700 साल पहले तक लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे वो था एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एल्केमी का मतलब मैंने बताया रस विद्या, शरीर में किस टाइप के रसायन है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी उसी तरह का है कि जीवन और रोग जितने भी हैं, है ना, डिजीज. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेनली डिजीज के बारे में पढ़ा जाता था कि हम सही ढंग से लाइफ कैसे जी सकते हैं, और अगर कोई डिजीज हो रहा है तो वो केमिकल से किस तरह से रिलेटेड है. तो कहीं ना कहीं केमिकल से रिलेटेड होता है डिजीज. जैसे कि आप आयुर्वेद में पढ़ते हो कि हमारे हमारे शरीर में वात पित्त कफ होता है, उन तीनों का बैलेंस बिगड़ता है तो हमको डिजीज होते हैं. तो एक प्रकार से केमिकल्स हैं, है ना. तो इन चीजों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता था. तो मेनली दो चीजें थी पहले केमिस्ट्री के फॉर्म में, एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मॉडर्न केमिस्ट्री टूक शेप इन द 18th सेंचुरी यूरोप आफ्टर ए फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशंस व्हिच वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स. तो देखिए जो मॉडर्न केमिस्ट्री है यूरोप में 18th सेंचुरी में, मतलब 1700 साल, मतलब ये 1600 तक तो एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलता रहा, इसके बाद जो है 1700 में आया तो फिर वो मॉडर्न केमिस्ट्री चालू हुआ. क्योंकि तब जो है अरब से लोग आए, अरब आप जानते होंगे जो सऊदी अरब है, ईरान, इराक, इन सब एरिया को, है ना. तो अरब से लोग आए और उन्होंने इस सिस्टम को जो एल्केमिकल ट्रेडिशंस थे कि किस तरह से हम केमिकल्स को यूज कर सकते हैं जीवन जीने में, रोगों को ठीक करने में, इन चीजों को यूरोप लेके गए. तो यूरोप के लोगों ने फिर इसमें मॉडर्न तरीके से रिसर्च करना शुरू किया और मॉडर्न जो साइंस है, मॉडर्न जो केमिस्ट्री है, वो धीरे धीरे डेवलप होना चालू हुआ. अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज एंड द इंडियन हैड देयर ओन एल्केमिकल ट्रेडिशंस. भारत में और चीन में अपना अलग सिस्टम चल रहा था. देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज था केमिस्ट्री के बारे में. आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं. दिल्ली में एक वो कुतुब मीनार के पास के साथ एक लोहे का खंभा गड़ा हुआ है,
ठीक है, जिसको लौह स्तंभ कहते हैं, वो राजा अशोक के समय का है। राजा अशोक मतलब आज से 2300-2400 साल पहले हुआ करते थे। तो सोचिए कि करीब 2500 साल पहले लोहे से वो खंभे बनाए गए, ठीक है, वो खंभा बना हुआ है, ऐसी कई खंभे हैं इंडिया में। और वो जो खंभा है, कॉलम है, उसमें जंग नहीं लगा है, मतलब जबकि आज तक हम लोग अभी जो मॉडर्न साइंस है उसके द्वारा हम ऐसा कोई आयरन लोहा नहीं बना पा रहे हैं जिसमें जंग नहीं लगता है। लेकिन उस समय के लोगों ने आयरन को, देखिए मैं आप एक और चीज बता दूं, जंग क्यों लगता है आयरन में, आयरन में अगर इंप्योरिटी है तो वही इंप्योरिटी उसके जंग लगने का कारण बनता है। तो आज हम इतने मॉडर्न साइंस वाले होकर के भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आयरन नहीं बना पा रहे, क्योंकि अगर प्योरेस्ट फॉर्म में आयरन बना लेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। तो उस समय के लोगों ने प्योरेस्ट फॉर्म में इतना आयरन बना लिया कि उसमें जंग नहीं लगा है। आज हम क्या करते हैं, उसके लिए हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील जो इससे बर्तन जो बने हुए आपके घर के, वो स्टील है। उसमें क्या करते हैं कि आयरन के साथ साथ उसमें क्रोमियम है ना, जिंक, ये सब चीजें मिलाए हुए हैं, तो वो इनको जंग लगने से बचाते हैं। लेकिन अगर प्योर, मतलब आप अगर खाली आयरन की चीजें अगर अपने घर में देखें, लोहे की चीज, केवल लोहा है, तो निश्चित उसमें जंग लग रहा है, क्योंकि उसमें इंप्योरिटी है आज के डेट में। लेकिन उस समय ये इंप्योरिटी नहीं था, उतना ज्यादा प्योर लोहा उन्होंने बना लिया था। इस तरह से बहुत सारी चीजें पहले जमाने में लोग बनाते थे। सोना जो होता था उसको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में बना लेते थे, है ना, कॉपर को बना लेते थे, और बहुत सारे और केमिकल्स जिसको वो बना सकते थे इंडिया में और चाइना में, ठीक है। दीज इंक्लूड्स मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स। अब क्या कह, देखिए, इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, ठीक है, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या। देखिए, अगर आप आयुर्वेद सिस्टम को पढ़ेंगे तो आयुर्वेद में कई प्रकार की स्टडी की जाती है, जिसमें एक स्टडी होती है रस तंत्र। रस तंत्र क्या होता है, जैसे आप रस तंत्र ऐसे बोलोगे तो लगता है कि जूस के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो जूस होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में जो लिक्विड होता है, शायद इसके बारे में बात करेगा। नहीं, रस तंत्र का मतलब होता है ये रसायन के बारे में स्टडी करता है, और रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो शरीर में किस टाइप के केमिकल्स होते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है, अगर वो गड़बड़ होते हैं तो शरीर में क्या रोग होते हैं, इनकी स्टडी हम आयुर्वेद में रस तंत्र के की स्टडी करके करते हैं। तो ये देखिए, वही जो है रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया है ना, रस विद्या, इन सब नामों से हम आयुर्वेद के रूप में इसको पढ़ते रहे हैं शुरू से और समझते रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज होते हैं, देखिए, इट इंक्लूड्स मेटलर्जी, तो डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, उसको कैसे निकाला जाता है ओर से, ये हम पढ़ते हैं। मेडिसिन, लाखों प्रकार के मेडिसिन लोगों ने बनाए, आयुर्वेद मेडिसिन बनाए। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, देखिए आज जो मॉडर्न कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हो वो स्किन के लिए बहुत बेकार होता है, शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले जमाने के लोग जो कॉस्मेटिक यूज करते थे, जैसे उबटन यूज करते थे, ठीक है, या तरह तरह के जो त्वचा में लगाने वाले लेप तैयार करते थे, वो लेप वो जड़ी बूटियों से तैयार करते थे, उसमें हानिकारक केमिकल्स नहीं होते थे, और वो स्किन के लिए इतना अच्छा होता था कि शायद वो कैसे भी बेकार स्किन को भी अच्छा कर सकता था। आज आप मॉडर्न साइंस में ऐसी कोई भी आप कॉस्मेटिक बता दीजिए जो आपकी त्वचा को अच्छा कर दे, ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आप उसी एलोवेरा जेल में आते हो, उसी उबटन लगाने में आते हो, उसी हल्दी चंदन में आते हो, क्यों आते हो, क्योंकि ये पुरानी साइंस है और इन्होंने इस चीज के बारे में ज्यादा अध्ययन किया है, और ये पैसे कमाने के लिए अध्ययन नहीं किए थे, इन्होंने वास्तव में मानव की सेवा के लिए इसका अध्ययन किया था। कॉस्मेटिक्स है, ग्लास है, डाई है, ये कैसे, क्योंकि पहले भी लोग कांच ग्लास का निर्माण करते थे, तरह तरह के कलर वाले बनाते थे ग्लास, है ना। सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन एट मोहनजोदड़ो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूफ दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। देखिए, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए हो मोहनजोदड़ो, है ना, हड़प्पा, है ना, ये जो सिंध है, पंजाब है, मोहनजोदड़ो वगैरह तो पाकिस्तान में चले गए हैं, है ना, ये हड़प्पा वगैरह थोड़े बहुत इंडिया में, थोड़े बहुत पाकिस्तान में, ऐसे है। तो आजादी से पहले, जब 1947 में आजादी मिली, उससे बहुत पहले इन जगहों पर खुदाई होते रही है, ठीक है। तो हमको पुराने पुराने शहर मिले हैं, उनके अवशेष मिले हैं, इस पर फिल्म भी बनी है ऋतिक रोशन की, आप देखोगे मोहनजोदड़ो करके। तो ये जो थे हमारे सिटीज थे, बहुत बड़े एरिया थे, स्टेट्स थे, यहां पर लोग
बहुत एडवांस तरीके से वो लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कराते थे और बहुत सारी चीजें बनाते थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स शो दैट बेक्ड ब्रिक्स वेयर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। देखिए आजकल आप लोग जो ईंटे यूज करते हैं, आप देखेंगे घर बनाते समय लाल लाल ईंटे होती हैं। ईंट कैसे बनाते हैं, लाइक सबको मालूम होगा, मिट्टी को पहले गीला कर लेते हैं, फिर उसको शेप में ढाल लेते हैं, उसका वो होता है प्लेट्स होते हैं उसमें, फिर जब वो सूख जाता है तो उसको ऐसे भट्टियों में उसको अरेंज करके अंदर में आग लगा देते हैं लकड़ी से कोयला से। तो धीरे धीरे वो जो ईंट है वो पक जाती है और पक करके लाल और हार्ड हो जाती है, इसको बेक्ड ब्रिक्स कहते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है जिसकी हिस्ट्री जो है आज से 3000 साल पहले की है, मतलब वो सारे 3000 साल पहले हुआ करता था आज से, उस समय भी सोचिए कि इन्होंने पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया था घर बनाने के लिए और इसलिए उन घरों के अवशेष आज भी हमको मिल रहे हैं, 3000 साल बाद भी वो घर हमको मिल रहे हैं। एक और चीज बता देता हूं मैं कि आज जो हम सीमेंट यूज करते हैं वैसी पहले वहां पर मोर्टार यूज करते थे जिसको हम गारा कहते हैं, गारा। उस गारे में वो न सिर्फ सीमेंट जैसी चीजें जिप्सम वगैरह मिलाते थे बल्कि वो जो है गाय के गोबर को भी मिलाते थे, ठीक है, और कुछ प्लांट से निकाले हुए ग्लू जैसे गोंद जैसी चीजों को, रेजिन जैसी चीजों को मिलाते थे और उससे जो गारा बनाते थे, मोर्टार सीमेंट बनाते थे, उससे घर बनाते थे। और वो जो घर बनते थे ना वो हजारों सालों टिकते थे, इसलिए आज भी हमको पुराने जो महल हैं, पुराने जो किले हैं, वो आज भी हमको सलामत दिखते हैं, उनकी उम्र जो है हजारों सालों की है। जबकि आज जो है हम घर बनाते हैं जो सीमेंट से घर बनाते हैं, इस घर की लाइफ पता है आपको कितनी है, 100 ईयर्स, सिर्फ 100 साल, इसकी इसकी उम्र ही 100 साल मानी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर 100 साल पुरानी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अब एबंडन करने लायक है, वो रिजेक्ट करने लायक है, आपको उसमें नहीं रहना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का नियम कहता है, सोचिए आप। तो पुरानी जो केमिस्ट्री थी ना वो बहुत एडवांस केमिस्ट्री थी। इट शोज दैट मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी व्हिच कैन बी रिगार्डेड इज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। देखिए मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, हमको खुदाई में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले, पॉटरी का मतलब मिट्टी के बर्तन, न सिर्फ बर्तन की आपको मटकी वगैरह मिल गया, ऐसा नहीं, बहुत सारे फ्लावर पॉट्स हैं, बर्तन हैं, ये सब मिट्टी के मिले। और ऐसे जो ग्लेज्ड थे, ग्लेज्ड का मतलब चमकदार, एकदम एकदम चमकता हुआ, सोचिए कि 3000 साल पहले की कोई चीज बनी है वो आज भी हमको खुदाई में निकला तो चमकता हुआ मिला, ठीक है, कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस, है ना, इन विच मटेरियल्स वेयर मिक्स्ड, मोल्डेड एंड सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग फायर टू अचीव डिजायरेबल क्वालिटीज। सोचिए कि पहले उनको ढाला जाता था, मोल्ड किया जाता था शेप में, फिर उसको पकाया जाता था, पका करके फिर हम उसको यूज करते थे, और फिर रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पॉटरी, ये देखिए, हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदड़ो। तो ग्लेज्ड पॉटरी का मतलब क्या है, ऐसे मिट्टी के बर्तन जो चिकने और चमकदार थे। अब सोचिए कि मिट्टी का बर्तन जो आप खरीदते हो मटकी वगैरह, क्या चमक रही थी उसमें, कोई चमक नहीं रहती, लेकिन उस समय पता नहीं वो कैसे उसको बनाते थे कि वो एकदम चिकना और चमकता था, और था मिट्टी कहीं गिरा दोगे फूट जाएगा, लेकिन चमकदार, ऐसा जैसे कि सीमेंट वगैरह उसमें टाइल्स वगैरह लगाती है वो, ऐसा ये मोहनजोदड़ो से मिला। जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, मैंने अभी बात किया था कि कंस्ट्रक्शन में जिप्सम का प्रयोग करते थे, आपको मैं बता दूं कि जो सीमेंट हम यूज करते हैं ना इसमें जिप्सम जो है एक मेन कंपोनेंट है। सीमेंट में जिप्सम होता है, ये जो राख होता है ना, राख कोयला को जलाने के बाद जो राख बचता है ऐश, वो इसमें मिलाया जाता है, इसीलिए सीमेंट की क्वालिटी हल्के और अच्छी क्वालिटी की दो किस्म की मिलती है आपको, जिसमें हल्का रहता है मतलब उसमें राख ज्यादा है, जो अच्छी क्वालिटी की उसमें जिप्सम ज्यादा होता है ना, तो इस टाइप के जो है अलग अलग क्वालिटी के हमको मिलते चले जाते हैं। तो अब जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज किया जिसमें जिप्सम यूज किया उसमें और क्या क्या चीज है, देखिए इट कंटेन्स लाइम, ये देखिए तो जो गारा हम बात कर रहे थे जिसको मोर्टार कहते हैं, जिसको पहले सीमेंट की तरह यूज करते थे, उसमें जिप्सम, लाइम मतलब चूना, सैंड बालू एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए हड़प्पन्स मेड फायंसेस ए सॉर्ट ऑफ ग्लास व्हिच वाज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। देखिए फायंस जो है
ये जो है चमकती हुई ग्लासेस के छोटे छोटे टुकड़े थे जिसको बेल बूटे कहते थे। बेल बूटे पहले लोग जो कपड़े पहनते थे उसमें ये कांच के टुकड़े ऐसे लगाए जाते थे। जितने ज्यादा अमीर लोग होते थे उनके कपड़े ऐसे चमकदार और एकदम महंगे कपड़े होते थे, उसमें ये बेल बूटे लगे होते थे। फाइंसेस मतलब बेल बूटे। और क्या चीज के बने होते थे? ये महंगे महंगे ग्लास के टुकड़ों के बने होते थे जो अलग अलग प्रकार के होते थे कलर में और अलग अलग तरीके से चमकते थे। अब उसको ये लोग बना लेते थे। सोचिए, दे मेल्टेड एंड फोर्ज्ड ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल्स सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। तो ये जो है अलग अलग तरीके के जो अलग अलग जो मेटल्स होते थे जैसे लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, इसको पिघलाते थे, ठीक है, और अलग अलग शेप में ढालते थे। फोर्ज का मतलब होता है ढालना। जैसे आप मूर्ति बनाना चाहते हो तो कैसे बनाते थे पता है? मूर्ति मिट्टी का ऐसा सांचा बना लेते थे, ठीक है, मिट्टी का, उसमें ऐसे टेम्पलेट बना हुआ। अब उसमें पिघला हुआ कॉपर या गोल्ड या सिल्वर जो है डाल दिए उसमें, ठीक है, अब उसको छोड़ दिए। अब जो मिट्टी में गड्ढे ऐसे बने हुए हैं, सांचे बने हुए हैं, उस सांचे में भर जाते थे पिघला हुआ मेटल और देर से ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता था। अब वो मिट्टी को तोड़ के निकाल देते थे। वो कापड़ तो टूटेगा नहीं ना, ये मेटल तो नहीं टूटेगा, मिट्टी टूट जाएगा, मिट्टी को तोड़ के साफ करके निकाल देते थे। अब बढ़िया से एक मूर्ति बन गई। तो इसे कहते थे फोर्ज करना, मेल्ट एंड फोर्ज्ड, मतलब पिघलाते थे और ढालते थे अलग अलग मूर्तियों के रूप में, बर्तनों के रूप में। आप लोग शायद अपनी जिंदगी में चांदी या सोने के बर्तन में खाना पीना नहीं पाए होंगे। मैं तो नहीं पाया हूं भाई, मैं इतने बड़े घर का नहीं हूं, आप शायद होंगे तो देख लीजिए। लेकिन कितना भी अमीर आदमी है आज के डेट में, वो थाली जो है या बर्तन जो है सोने या चांदी का उपयोग नहीं करता है। जबकि पहले जमाने के लोगों में जितने ज्यादा पैसे वाले होते थे वो मिट्टी के बर्तन, कांसे का, तांबे का, चांदी का, सोने का, इस तरह से वो ऊपर उठते चले जाते थे। मतलब जितना अमीर आदमी उतना ज्यादा महंगा मेटल यूज करता था खाने पीने के बर्तन के रूप में, ठीक है, ऐसा है। दे इंप्रूव्ड द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टीन एंड आर्सेनिक। देखिए, कॉपर है या गोल्ड है, अगर आप इसको प्योर फॉर्म में लेते हैं तो ये सॉफ्ट रहते हैं, मतलब इतने हार्ड नहीं होते कि आप इससे ऑर्नामेंटल चीजें या कुछ और चीजें बना सके, क्योंकि वो टूट सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, इनको किसी और मेटल के साथ मिला के थोड़े से हार्ड करते हैं। हार्ड करने से फिर आप जो ऑर्नामेंटल चीजें बनाते हैं वो चीजें मजबूत हो जाती है, वो मजबूती से बनती है। तो देखिए, जो कॉपर थे, कॉपर में ये मिलाते थे टीन और आर्सेनिक जिससे वो हार्ड हो जाता था। आप लोगों ने ये जो गोल्ड है, गोल्ड के बारे में सुना होगा कि 24 कैरेट है, 23 कैरेट है, 22 कैरेट है, ऐसा सुनते हैं ना। तो एक्चुअली जो 24 कैरेट है लगभग 100% गोल्ड होता है, और जितना कम होता जाता है कैरेट का उतना उसमें कॉपर मिलाते हैं। तो एक्चुअली जो ये हमारे गहने हैं, जो ये ज्वेलरी है, अगर 24 कैरेट गोल्ड से बनाते हो तो सॉफ्ट बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा तो जल्दी टूटेगा। तो इसको क्या करते हैं कि 23 कैरेट का बनाते हैं या 22 कैरेट का बनाते हैं, मतलब उतना उसमें कॉपर मिला देते हैं। मतलब ये 94% गोल्ड है या 96% गोल्ड है या 90% गोल्ड है, ऐसे इसका माप होता है कैरेट का मतलब। तो जो कॉपर है उसको मिला देने से गोल्ड थोड़ा हार्ड हो जाता है और जो आपकी ज्वेलरी है वो टिकाऊ बन जाती है, ठीक है, ऐसा है। ए नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वेयर फाउंड इन मास्की इन साउथ इंडिया 1000 to 900 BCE। देखिए, जैसे हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, वही है ये बिफोर कॉमन एरा। एडी जो हम बोलते हैं उसको कॉमन एरा भी बोलते हैं, ठीक है, और जो बीसी बोलते हैं उसको बीसीई भी बोलते हैं, है ना। आफ्टर डेथ ये कॉमन एरा है, और बीसी जो बिफोर क्राइस्ट ये बीसीई है, बिफोर कॉमन एरा। तो अब देखिए क्या लिखा है, कॉमन एरा के मतलब है बिफोर कॉमन एरा है 1000 to 900, मतलब आज 2000 AD है, उससे भी 1000 से 900 साल पहले, मतलब आज से करीब 2900-3000 साल पहले की बात कर रहा है, साउथ इंडिया में एक जगह है मास्की, ठीक है।
इस मास्की में खुदाई से हमको बहुत सारे ग्लास के कांच के बने हुए चीजें मिली एंड हस्तिनापुर एंड तक्षशिला इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और यहां पर मिला हमको 1000 to 200 BCE का। हस्तिनापुर ये तो आप जानते हैं दिल्ली के आसपास का एरिया है, और तक्षशिला ये भी उधी नॉर्थ इंडिया का एरिया है। इसमें हमको करीब 2200 साल से 3000 साल के बीच की चीजें हमको मिली हैं खुदाई में, कांच की बनी हुई चीजें, ठीक है। तो साउथ इंडिया के मास्की में हमको जो है करीब 2900-3000 साल पहले की चीजें, और तक्षशिला और हस्तिनापुर में 2200 से 3000 साल पहले की चीजें हमको खुदाई से ग्लास की बनी हुई चीजें मिली है। ग्लास एंड ग्लेज्ड वेयर कलर्ड बाय एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट लाइक मेटल ऑक्साइड्स। देखिए जो ग्लास है वो डिसकलर्ड होता है, मतलब बिना कलर का होता है, लेकिन जब हम उसमें अलग अलग प्रकार के मेटल ऑक्साइड्स मिला देते हैं तो वो अलग अलग कलर के हो जाते हैं। जैसे क्रोमियम को मिला देने से हरे कलर का हो जाएगा, या रेड कलर का हो तो ऑक्साइड को मिला देंगे इस टाइप का। तो अलग अलग कलर बनाने के लिए ग्लास में अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स को मिलाया जाता था। ये आज भी उसी टेक्निक से बनाते हैं ग्लास को, कलर्ड ग्लास को, ठीक है। और ये चीजें सोचिए कि आज से 2500-3000 साल पहले भी लोग इस टेक्निक के द्वारा बनाते थे। कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ चालकोलिथिक कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट। देखिए भारत का इंडियन सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, इंडिया के आसपास जितने भी देश थे अभी हैं, पाकिस्तान है, ईरान है ना, इधर आप चाइना चले जाओ, सॉरी चाइना नहीं, इधर श्रीलंका चले जाओ, इधर बांग्लादेश चले जाओ, ये सब इंडियन कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। तो इंडियन कॉन्टिनेंट में जब ताम्र पाषाण युग चालू हुआ, चालकोलिथिक का मतलब क्या है, देखिए तांबा मतलब कि कॉपर और पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। आपको बता दें कि लोहे आयरन के पहले जो है कॉपर आया है, आयरन तो बहुत बाद में आया है, ठीक है। लोगों को पहले कॉपर के बारे में, चांदी के बारे में, सोने के बारे में पहले पता चला, इनमें सबसे लास्ट में आता है लोहा। तो लोग जो पहले जिंदगी जीते थे आज से 4000-3000 साल पहले, तो पहले वो पत्थर के चीजों को उपयोग करते थे, औजार वगैरह यूज करते थे, टूल्स शिकार वगैरह करने के लिए। फिर उनको सबसे पहले कॉपर के बारे में पता चला कि कुछ पत्थर ऐसे थे जिनको गर्म करके पिघला देने से और कुछ और प्रोसेस करने से वो एक अलग टाइप का मेटल बन जाता है, एक अलग टाइप का चीज बन जाता है जो कॉपर होता था। तो फिर जो जो पहले पाषाण युग था, लिथिक एज था, वो अब जाके कॉपर एज की तरफ जाने लग गया। तो दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन एज था वो कहलाता था चालकोलिथिक, मतलब ताम्र पाषाण, मतलब उस समय तांबे का भी यूज होता था और पत्थर का भी यूज होता था। तो जो है कॉपर जो है उस समय इंडिया में सबसे पहले आया। देयर आर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट द व्यू दैट टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन वर डेवलप्ड इंडिजिनियसली। तो आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं जिससे हमको ये मालूम चलता है कि कॉपर है, आयरन है, इनका एक्सट्रैक्शन जो किया गया, इनकी जो विधि खोजी गई, इनका जो मेथड खोजा गया, वो इंडिया में ही खोजा गया। हम बाहर से कहीं से लेकर के ये नॉलेज नहीं पाए हैं, हमने खुद इस नॉलेज को डेवलप किया था। और जैसा मैंने कहा कि जो महरौली स्तंभ है जो वहां पर है चांदनी सॉरी कुतुब मीनार के पास, उसमें इतना अच्छे क्वालिटी का लोहा है कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, 2500 साल पहले का लोहा है, समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, देखिए हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये हमारे इंडिया के सबसे पुराने जो है रिकॉर्ड में शामिल है, मतलब इनमें जो लिखे हुए हैं ये शुरू शुरू के सबसे पहले के लिखी हुई चीजों में आते हैं। तो ऋग्वेद इनमें सबसे पुराना है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1000 to 400 BCE। देखिए चमड़े का निर्माण जो होता है जिस प्रोसेस से करते हैं उस प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं। टैनिंग में क्या करते हैं कि किसी पशु का, किसी एनिमल का स्किन को निकाल लेते हैं और उस स्किन में से जो एपिडर्मिस है ना इसको हटा दिया जाता है, इसको सड़ा के हटाया जाता है, और फिर जो डर्मिस होती है, जो सॉफ्ट पार्ट होती है, उससे भी चमड़ा बनाया जाता है। तो ये जो चमड़ा होता है सॉफ्ट होता है और काफी अच्छी क्वालिटी का होता है।
जिससे आपके बेल्ट और जूते वगैरह बनते हैं, लेकिन एक हल्की क्वालिटी का भी चमड़ा बनता है जिसमें पूरी स्किन जो है एपिडर्मिस डर्मिस दोनों से बनाते हैं, उस प्रोसेस को टैक्सीडर्मी कहते हैं। तो ऋग्वेद में चमड़ा बनाने की जो प्रोसेस थी वो बताई गई है। और डाइंग ऑफ कॉटन, देखिए कॉटन जो निकलता है वो सफेद रुई के रूप में निकलता है। अब उससे कपड़े बनाने हैं या कोई और चीज बनानी है तो उसको कलर करना रहता है, क्योंकि जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं कैसे कलर आते हैं। तो इसको कलर करने की जो प्रोसेस थी वो भी ऋग्वेद में बताई गई है। और ऋग्वेद पता है आज से 3,500 साल पहले लिखी गई है। तो ये देखिए 1000 to 400 BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब 2400 साल से लेकर 3000 साल तक आज से पहले ये चीजें बताई गई है ऋग्वेद में। और ये चीजें थी पहले, मतलब लोग करते थे, मतलब 3000 साल पहले भी लोग लेदर बनाना जानते थे। द गोल्डन ग्लॉस ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड इज स्टिल ए केमिकल मास्टरी। अब यहां पर क्या लिखा है देखिए, गोल्डन ग्लॉस मतलब सुनहरी चमक ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये वेयर क्या है देखिए, आप लोग पढ़ते हैं हाउस वेयर रूम वेयर मतलब फर्निशिंग की चीजें, जैसे पर्दे हैं है ना, बेडशीट है या फर्नीचर है ना, ये हाउस वेयर्स है। तो इसमें जो है ब्लैक कलर की पॉलिश की गई लेकिन उसमें गोल्डन कलर की चमक थी। और ये ऐसा नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से बनाया गया वो आज भी अज्ञात है कि वो किस तरह से किस तरह के केमिकल को यूज करके उसको बनाया गया, कि कलर तो पॉलिश किया हुआ ब्लैक है लेकिन सुनहरी चमक कैसे आई उसमें। तो आज भी ये केमिकल माइस्ट्री है और एक प्रकार का ये जो है आश्चर्य है कि ये कैसे लोग बनाए, और ये अज्ञात है अभी तक, गोपनीय है, हम इसको नहीं बना पाए। इसी को क्यों आप अजंता एलोरा की गुफाएं चले जाइए जो केव्स हैं उनमें जो पेंटिंग्स किए हैं उनको आज तक हमने कॉपी नहीं कर पाए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले जमाने में की गई हैं, बनाई गई हैं और उनको हमने आज तक कॉपी नहीं कर पाए हैं। दीज वेयर्स इंडिकेट द माइस्ट्री, सॉरी मास्टरी, ये मास्टरी है, इंडिकेट द मास्टरी विद विच किल टेम्परेचर्स कुड बी कंट्रोल्ड। तो देखिए ये जो वेयर्स हैं, जो हाउस वेयर्स हैं जिस तरह से बनाए गए हैं, ये साबित करता है कि उस समय के लोग जो है भट्ठे का, किल्न का मतलब होता है भट्ठा, जो बहुत गर्म होता है ठीक है और जिसमें पकाया जाता है कोई चीज, वो किल्न कहलाता था, तो उसका टेम्परेचर लोग कंट्रोल करते थे। आप सोचिए कि भट्ठे का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेंगे, भाई आग जल रही है तो आग का जो टेम्परेचर है उसको कम कैसे करोगे, उसको कंट्रोल कैसे करोगे। लेकिन उसको कंट्रोल करके उन्होंने तरह तरह की इस टाइप की चीजें बनाई जिसको आज भी हम नहीं बना पा रहे हैं, ये साबित करता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्ड द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी। कौटिल्य कौन थे पता है, चाणक्य, जिसके बहुत सारे सीरियल वगैरह आप देखे होंगे, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे देश के पहले महासम्राट थे ऐसा रिकॉर्डेड में, अब रामायण महाभारत को छोड़ दिए उनका तो पूरी पृथ्वी पर राज था, राम जी का कृष्ण जी का, लेकिन जो हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो आज से करीब 2600 साल पहले थे, 600 BC के आसपास ये हुआ करते थे जहां तक मुझे ध्यान है, 300 टू 600 के बीच में कभी थे ये। तो उनके मंत्री थे ये, बहुत बड़े बहुत ज्ञानी आदमी थे चाणक्य कौटिल्य, इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र वैसे तो हम जो आज पढ़ते हैं ये इकोनॉमी से संबंधित होता है, पैसे वगैरह के बारे में बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र में, लेकिन उस समय कौटिल्य महोदय ने, चाणक्य महोदय ने जो अर्थशास्त्र लिखा था इसमें मेनली तो एक पॉलिटिकल साइंस के बारे में लिखे थे, साथ में देश कैसे चलाए जाते हैं, कौन कौन से चीजें बनाई जा सकती हैं उनके बारे में भी थोड़ा जिक्र था, जैसे देखिए कि नमक बनाने का जिक्र उन्होंने किया था, मतलब दैनिक जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजों का जिक्र जो है इन्होंने अर्थशास्त्र में किया था। मैं आपको बता दूं कि आज हम साइंस में अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, कोई फिजिसिस्ट होता है, कोई केमिस्ट होता है, कोई बायोलॉजिस्ट होता है, कोई और, लेकिन पहले के जो साइंटिस्ट होते थे ना वो ऑलराउंडर होते थे। आप केवल एरिस्टोटल को देख लीजिए, अरस्तु, क्या आप बोल सकते हो कि किस फील्ड के साइंटिस्ट थे? आप देखिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता था, उनके शिष्य हुए थियोफ्रास्टस, वो फादर ऑफ बॉटनी थे, है ना। साथ में आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, सोशल साइंस ले लीजिए, कोई भी साइंस ले लीजिए, आप उसमें एरिस्टोटल का नाम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे।
आप बताइए कि एरिस्टोटल किस फील्ड के थे, क्या वो केमिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, क्या थे? आप नहीं कह सकते। पहले के लोग ऑलराउंडर हुआ करते थे, ठीक है। ए वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड मटेरियल्स डिस्क्राइब्ड इन द एंशिएंट वैदिक लिटरेचर कैन बी शोन टू एग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स। देखिए, जो चार वेद का मैंने जिक्र किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके साथ जो पुराण वगैरह थे, है ना, और भी जो लिटरेचर हमारे पुराने लिटरेचर हैं, अगर आप उनकी स्टडी करें और उनको साइंस के साथ जोड़ें, तो साइंस में अगर आप उनके उनमें जो लिखे हुए उनपे अगर रिसर्च करें, तो आज आप बहुत सारी और ऐसी चीजें पा जाएंगे जो आज आपके पास नहीं है, और पहले जमाने के लोगों के पास शायद वो चीजें थी जो आज हमारे पास नहीं है, तो आप उन चीजों को भी पा सकते हैं। आप ये जो सीरियल वगैरह में देखते हो, रामायण महाभारत टाइप के सीरियल में, कि वो ये तीर मार रहा है तो जाके फूट रहा है बम, उस टाइप की चीजें आज जो हम लोग मिसाइल के तौर पर यूज करते हैं, वो चीजें उनके पास भी थी, उनके पास भी ब्रह्मास्त्र ये अस्त्र ये उनके नाम पे थी, लेकिन वो दैवी शक्तियों से युक्त थी, पारलौकिक शक्तियों से युक्त थी। आज हम लोग साइंस में चीजों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हम वेदों को साइंस के साथ जोड़ लेना, तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आज हमारे पास नहीं है, ठीक है। कॉपर अटेंसिल्स, देखिए, कॉपर के बने हुए बर्तन हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड टेराकोटा डिस्क एंड पेंटेड ग्रे पॉटरी हैव बीन फाउंड इन मेनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया। देखिए, अब यहां पर जो लिखा है, एक तो कॉपर अटेंसिल है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर इनके ऑर्नामेंटल चीजें हैं, टेराकोटा डिस्क, ये चीजें जो है मिट्टी से ही पका करके बनाई गई चीजें थी, एंड पेंटेड ग्रे पॉटरी, ठीक है, ये भी मिट्टी के बर्तन जो ग्रे कलर के होते थे जिसको पेंट किया जाता था। इन चीजें जो है हमारी खुदाई में नॉर्थ इंडिया में, उधर जो मोहनजोदड़ो वगैरह है उनमें हमको मिले हैं, है ना। तो ये तो खैर बहुत बड़े चीजें नहीं है, फिर भी चूंकि ये आज से 3000 साल पहले की चीजें थी, तो उस समय के लोग इनको बनाते थे, ऐसा आप सोच सकते हो। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, देखिए इनके बारे में पहले मैं आपको बता दूं, सुश्रुत और चरक हमारे देश के दो बड़े वैद्य थे, मतलब डॉक्टर थे आप कह सकते हैं। जो सुश्रुत महोदय थे वो सर्जरी करते थे, ऑपरेशन करते थे, और आपको बता दूं कि फादर ऑफ सर्जरी इज सुश्रुत, सुश्रुत को कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। ये तरह तरह के ऑपरेशन करते थे, इवन ये ब्रेन का ऑपरेशन करते थे, ऐसा रिकॉर्ड में है, ठीक है, और ऑपरेशन से डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी करवाते थे, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते थे, ब्लड चढ़ाते थे लोगों को। तो इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा था, उसमें सब ये जो ऑपरेशन की विधियां थी, किस तरह के टूल्स यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जिक्र है। और दूसरे महोदय थे वो थे चरक, इन्होंने चरक संहिता लिखा। चरक जो थे वो मेडिसिन के द्वारा इलाज करते थे, खुद 150 साल जिए थे, और बोले थे कि मैं और 150 साल जी सकता हूं, लेकिन अब मेरा काम खत्म हो गया इसलिए मैं जा रहा हूं। तो चरक ने जो चरक संहिता लिखा है उसमें दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, इवन उन्होंने एक एड्स जैसे बीमारी का भी उसमें जिक्र किया है, ठीक है। हालांकि उन्होंने उसमें जो इलाज बताया है वो क्या लिखा है ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो इन्होंने लिखा जरूर है हर चीज, मतलब दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनका सारा जिक्र जो है चरक संहिता में है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इसका जिक्र भी चरक संहिता में है। तो सोचिए कि उस समय के लोगों को इतना नॉलेज था कि वो सर्जरी कर सकते थे और जड़ी बूटियों और दवाइयों के बल पे वो सारी बीमारियों को इलाज कर सकते थे। अगर हम उनमें मॉडर्न तरीके से रिसर्च करें और कुछ नई चीजें निकालें, तो आज शायद हमारे जो अनक्योर डिजीज है, वो जैसे कैंसर है, एड्स है, इनको भी शायद हम क्योर कर पाए, ऐसा लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज, इसमें जो है एल्कली मतलब बेसिस, ठीक है, जितने भी पीएच 7 से नीचे वाली चीजें हैं एल्कलीज, उनका इंपॉर्टेंस इन्होंने बताया। अब देखिए कैसा लिंक, आपका जो ब्लड है, सॉरी 7 से ऊपर ना, एल्कली मतलब 7 से ऊपर, आपका जो ब्लड है 7.4 पीएच है इसका, मतलब हल्का सा बेसिक है। तो अब जो साइंस मान रहा है, अभी जो रिसेंट पिछले 5-7-10 सालों में रिसर्च हुआ है, उसमें साइंस ये मान रहा है कि अगर हम पानी को एल्केलाइन मीडियम बना के पिए, एल्केलाइन वाटर पिए, आप लिखे होंगे, देखें
आपका जो आरओ का मशीन है या कुछ इस टाइप का, उसमें एल्केलाइन वाटर लिखा जाता है। तो अगर हम एल्केलाइन वाटर पीते हैं ना, तो वो हमारे ब्लड के पीएच को डिस्टर्ब नहीं करता है और वो हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। क्योंकि हम अगर एसिडिक वाटर पीते हैं ना, तो हमारे ब्लड के पीएच को, हालांकि वो बफर है, थोड़े बहुत में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा एसिडिक वाटर पी रहे हैं तो वो हमारे बफर सिस्टम को, ब्लड के बेसिक मीडियम को चेंज करता है और उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो सोचिए कि सुश्रुत संहिता जो आज से 2500 या 3000 साल पहले लिखी गई है, उनमें इन चीजों का इंपॉर्टेंस बताया गया कि एल्कली हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। द चरक संहिता मेंशन एंशियंट इंडियंस हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना सकते हैं, इसका जिक्र चरक संहिता में है। नाइट्रिक एसिड एट ऑक्साइड ऑफ कॉपर टीन एंड जिंक इनका है ना, द सल्फेट ऑफ कॉपर जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन, इन सभी चीजों का जिक्र जो है चरक संहिता में किया गया है। देखिए कितना ज्यादा रिसर्च कर चुके थे उस समय कि उधर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर के ऑक्साइड, टीन, जिंक है ना, इनके सल्फेट है कॉपर जिंक और आयरन के सल्फेट, ना कार्बोनेट्स, लेड और आयरन के कार्बोनेट्स, इनको कैसे बना सकते हैं, ये जो है उस समय के लोगों को मालूम था। रसोपनिषद, ठीक है फिर से पढ़ते हूं, रसोपनिषद डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। आपको पता है गन पाउडर क्या चीज होता है, ये बारूद बनता है गन पाउडर से, बारूद। तो रसोपनिषद करके एक बुक मिली, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि गन पाउडर यानी बारूद कैसे बना सकते हैं। और साउथ इंडिया में सबसे पहले बारूद बनाना चालू किया गया था, उसे फटाके और इस टाइप के बम बनाए गए जो दुश्मनों को हराने में मदद करते थे। तमिल टेक्स्ट हैव डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क्स यूजिंग सल्फर, चारकोल, साल्टपीटर। साल्टपीटर किसको कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को साल्टपीटर कहते हैं, ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। मरकरी एंड कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर। तो सोचिए उस समय वो लोग बारूद जो है, पटाखे जो है, सल्फर, चारकोल, साल्टपीटर, मरकरी और कैम्फर से मिला के बना लेते थे। और उधर ही लिखा गया था रसोपनिषद जिसमें गन पाउडर का जिक्र हुआ और जिसके द्वारा हम बारूद बना सकते थे, ठीक है। तो इतनी सारे चीजें लोगों को पहले मालूम थी। अब है नागार्जुन, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। नागार्जुन वॉज ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, ही वॉज ए रेप्यूटेड केमिस्ट एंड एल्केमिस्ट एंड ए मेटलर्जिस्ट। देखिए इनको केमिस्ट्री के बारे में पता था, इनको रस विद्या मतलब शरीर में किस टाइप के रसायन है, किस टाइप के केमिकल है, एल्केमी मतलब शरीर में जो केमिकल है उनकी स्टडी, एल्केमी एंड मेटलर्जिस्ट मतलब मेटल कैसे निकाला जाता है, इनका नॉलेज था। सोचिए कितना ज्यादा नॉलेज रहा हो उनको, केमिस्ट्री, शरीर की केमिस्ट्री, मेटलर्जी सब मालूम था इनको। हिज वर्क रस रत्नाकर, ये एक बुक इन्होंने लिखा रस रत्नाकर, डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड्स। ये देखिए रस रत्नाकर मरकरी कंपाउंड, ठीक है, मरकरी जो है वैसे तो जहरीला कंपाउंड है, लेकिन इसको कुछ दूसरे केमिकल के साथ मिला के जो केमिकल्स बनाए जाते हैं ना, वो बहुत सारी दवाइयों में भी उपयोग होते हैं हमारे मरकरी, ठीक है, कैंसर टाइप की चीजों को भी ठीक कर देते हैं। ही हैज आल्सो डिस्कस्ड मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड कॉपर। ये देखिए गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर निकालने की विधि इन्होंने बताई। सॉरी क्या हो गया ये, एक मिनट है। ए बुक रस रनावरम, रसारनावरम, ठीक है, अपीयर अराउंड 800 CE, मतलब 800 AD कॉमन एरा, मतलब आज से 1200 साल पहले, ठीक है, एक रसनावम, एक रसारनावरम, एक बुक लिखी गई, ठीक है। कौन लिखा ये इसमें नहीं दिया है। इट डिस्कसेस The uses of various furnaces, ovens and crucibles for different purposes. ये देखिए furnaces आपको पता है बड़े बड़े भट्टियां होती हैं, ठीक है, ओवन छोटी भट्टी जिसमें हम कोई चीज पकाते हैं, आपके घर में आजकल जो ओवन होता है वो इलेक्ट्रिक ओवन होता है, ठीक है, एंड क्रूशिबल, ये भी भट्टी होती है, ये सारी चीजें गर्म करने की चीजें, कोई कम गर्म, कोई ज्यादा गर्म, कोई पिघला देगा, इतनी कैपेसिटी वाले। तो इनका प्रयोग जो है आज से 1200 साल पहले की लिखी गई बुक में रसरनवम में ये चीजों का जिक्र किया गया है। इट डिस्क्राइब्ड
मेथड्स बाय विच मेटल्स कुड बी आइडेंटिफाइड बाय फ्लेम कलर। ये देखिए, अगर किसी मेटल को जलाते हो तो वो अलग अलग कलर से जलते हैं, मतलब वो जलते समय मतलब ऐसे जैसे फ्लेम में ऐसे रखोगे तो फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, तो उसके द्वारा ये मेटल को पहचानने की विधि बताएगा। ठीक है, चक्रपाणी, एक अलग व्यक्ति चक्रपाणी, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट उस समय के, डिस्कवर्ड मरकरी सल्फाइड। ठीक है, मरकरी सल्फाइड, और इन्होंने साबुन बनाने की प्रक्रिया खोजी। ठीक है, द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप्स वेयर गोस टू हिम, किनको, चक्रपाणी को साबुन बनाने की प्रक्रिया खोजने का श्रेय जाता है। ही यूज मस्टर्ड ऑयल एंड सम एल्कलीज एंड इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग सोप। आपको पता है साबुन कैसे बनता है, कोई भी फैट ले लीजिए और कोई बेस ले लीजिए एल्कली, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कोई तेल वगैरह ले लीजिए, दोनों को मिलाइए तो ऐसे जो है उनका सोडियम साल्ट, फैट है उसका सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट, और वैसे थक्के के रूप में प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाता है, वही साबुन है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले इन्होंने सरसों के तेल से बनाने की प्रक्रिया चालू की। ठीक है, चक्रपाणी में इंडियंस बिगेन मेकिंग सोप्स इन द 18th century CE। ये देखिए, भारत में ये जो चीजें हैं, अब जो मॉडर्न साइंस है उसमें 18वीं सदी में मतलब 1700 ईयर में चालू किया गया। ऑयल ऑफ इरांडा एंड शीट्स ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वेर यूज टू मेकिंग सोप। अब इसको समझिए, ये जो इरांडा प्लांट है ना, ये है कैस्टर, जिसको आप अरंडी के नाम से जानते हो, कैस्टर। ये एक वीट प्लांट है जो उगा रहता है खाली जगहों पे, ऐसे बड़े बड़े इतने बड़े फल होते हैं, इसका ऑयल निकलता है, खाने का काम नहीं आता ऑयल, लेकिन इससे बायोडीजल बना सकते हैं। इसी का भाई बंधु है रतन जोत, उससे भी बायोडीजल बनता है। तो इरांडा मतलब ये कैस्टर का प्लांट है, और महुआ, महुआ तो आप सब जानते हैं, इसका जो फ्लावर होता है ना उससे बनता है वाइन, मतलब मदिरा है ना, एल्कोहल, महुआ के फूल से वो फ्लावर होता है। लेकिन उसका जो शीट बनता है ना, फल भी बनता है, मतलब महुआ में पहले फ्लावर होता है, फ्लावर के पेटल्स झड़ जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे कि मान लो महुआ का ये फ्लावर है, ठीक है, ये पेटल है और ये गायनोशियम है ये पूरा, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये पेटल्स झड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये पीले रंग का पेटल जो है फ्लावर के रूप में हमको जमीन में गिरा हुआ मिलता है, इसको लोग कलेक्ट कर लेते हैं फ्लावर को, पेटल को, उसी को सुखा करके महुआ बनाते हैं, उससे फिर दारू बनता है, मदिरा। लेकिन ये जो फर्टिलाइज पार्ट है, इससे फिर फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर शीट्स होते हैं, तो इन शीट का जो ऑयल रहता है वो यूज होता है। ठीक है, ये देखिए, महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका भी प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता था। ठीक है, पहले अब देखिए, The paintings found in walls of Ajanta and Ellora, which look fresh even after ages, testify to the high level of science achieved in ancient India. तो मैंने अभी इनका जिक्र किया था थोड़ा देर पहले। Ajanta Ellora, ये महाराष्ट्र में जो मुंबई पुणे के पास इधर थोड़ा पड़ता है, मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन लोग गए जो बताते हैं, तो वहां गुफाओं के अंदर केव पेंटिंग्स बनाई गई है, ऐसे दीवारों में पेंटिंग्स बनाई गई है, और कब बनाई गई है पता है, आज से करीब 2000-2500 साल पहले। लेकिन आज भी वो पेंटिंग इतने नए लगते हैं जैसे कि अभी कुछ दिनों में बनाए गए हैं। अब इतने पुराने पेंटिंग काले नहीं हुए, खराब नहीं हुए, तो सोचिए कि किस तरह की साइंस का उपयोग उसमें किया गया था, क्यों आज भी वो पेंटिंग सलामत उसी तरह से नए टाइप के लग रहे हैं। वराहमिहिर, वराहमिहिर बृहद संहिता इज अ सॉर्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया विच वॉज कंपोज इन द 6th century CE। देखिए, वराहमिहिर हमारे यहाँ के बड़े साइंटिस्ट, एक बड़े ऋषि थे, है ना, इन्होंने लिखा था बृहद संहिता, एक बुक लिखी थी बृहद संहिता, समझ लो कब लिखी गई थी, 6th century, मतलब 500 ईयर, मतलब आज से 1500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक है, ये एक बड़ी एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लोपीडिया आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है बहुत सारी चीजों का जो नॉलेज है उनकी बनी हुई बुक वगैरह, इनको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। तो उस समय की एनसाइक्लोपीडिया सोचिए। It informs about the preparation of glutinous material to be applied on the walls and roofs of the houses and temples. ये देखिए, पहले के बने हुए घर जो थे, महल जो थे, किले जो थे, इतने मजबूत क्यों थे?
तो उनकी दीवारों में बनाते समय किस टाइप के मटेरियल यूज करना है? ग्लू, ग्लूटिनस मतलब चिपकने वाली चीजें, जैसे आज सीमेंट एक प्रकार का ग्लूटिनस सब्सटेंस है, वैसे पहले क्या चीज यूज करते थे? इट वॉज प्रिपेयर एंटायरली फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स, केवल पेड़ पौधों से निकली हुई चीजों से उसको बनाते थे। गारा क्या क्या चीजें थे? फ्रूट्स, शीट्स एंड बार्क्स, विच वेयर कॉन्सेंट्रेटेड बाय बॉइलिंग एंड देन ट्रीटेड विद वेरियस रेजिन्स। रेजिन क्या चीजें होते हैं? जैसे कि लाख आप जानते होंगे रेजिन है, बहुत चिपचिपा, गर्म कर देंगे तो चिपचिपा, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चिपचिपा चीज बनता है, उसे रेजिन कहते हैं। तो शीट से, बाग से, फ्रूट से चीजें निकालते थे, उबालते थे, रेजिन मिलाते थे, उसको गारा बोलते थे, मोर्टार, उससे दीवाने बनाते थे। अब वो इतना मजबूत। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटेरियल्स साइंटिफिकली एंड एसेस देम फॉर यूज। आज अगर हम इनको साइंटिफिकली समझ सके, आज कैसे बनाते हैं, इसकी विधि हम लोग जान सके, लिखा है आप उनको देख के बना सकते हैं, और इनसे अगर हम घर बनाए तो वो बहुत टिकाऊ घर बनेगा। लेकिन हमको तो क्या है, मॉडर्न साइंस में भरोसा है ना, हम तो विदेशी चीजों में भरोसा करते हैं। हम ये भरोसा करते हैं जब हमको हमारी तबीयत बिगड़ती है तो हम विदेशी दवाइयों पे भरोसा करते हैं, डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, ठीक भी है। लेकिन अगर हम देसी इलाजों के बारे में भी थोड़ा जानकारी रखें, वैद्यों से संपर्क करें, अगर सही ढंग से जानकार वैद्य है ना, तो आपकी कोई बीमारी नहीं है जो जड़ी बूटी से ठीक नहीं होगी। तो वैसे ये चीजें हैं, हम विदेशी चीजों पे, सीमेंट पे हम भरोसा करते हैं, ठीक है। एक और, एक दो और पेज पढ़ लेते हैं। ए नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट लाइक अथर्ववेद 1000 BCE मेंशन सम डाई स्टफ्स, द मटेरियल यूज्ड वेयर टर्मरिक, मदार, सनफ्लावर, आर्पीमेंट, कॉकिनियल एंड लॉक। अब देखिए क्या चीज है अथर्ववेद। हमारे चार वेद नाम मैंने बताया, उनमें से एक अथर्ववेद, ये आज से करीब 3000 साल पहले ये भी लिखा गया था। इसमें जो है अलग अलग प्रकार के डाई के बारे में जिक्र है, डाई मतलब जो कलर कर सकता है, अलग अलग चीजों को कलर कर सकने की क्षमता रखने वाला। इसमें क्या क्या चीजें देखिए, टर्मरिक आप जानते हैं हल्दी है, मदार, मदार वैसे तो ये जो मदार की बात कर रहे हैं वो गुलहड़ की बात कर रहे हैं, जो चाइना रोज है उसको पहले लोग मदार बोलते थे, चाइना रोज गुलहड़ है ना, इतना बड़ा लाल फ्लावर होता है, रेड जो देवी माता में भी चढ़ाते हो वही है, उससे, सनफ्लावर से। अब देखिए ये ऑर्पीमेंट क्या है, इसको समझिए। ऑर्पीमेंट जो है एक येलो कलर का डाई होता था, और एक्चुअली ये जो है आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड था, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, इसको हड़ताल कहते हैं, हड़ताल, आर्पीमेंट मतलब हड़ताल, हिंदी में इसको कहते हैं हड़ताल। ये एक प्रकार का येलो कलर का पिगमेंट था जो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का बना हुआ था, इसको पीले कलर के रूप में यूज करते थे। कॉकिनियल ये भी देखिए, ये हड़ताल जो था ना ये तो पेड़ों से, पौधों से निकलने वाली चीज था, लेकिन ये जो कॉकिनियल था ना ये एक इंसेक्ट से निकलता है, इसको कॉकिनियल इंसेक्ट भी कहते हैं और इसको स्केल इंसेक्ट भी कहते हैं, स्केल इंसेक्ट, ठीक है। इस स्केल इंसेक्ट से निकलने वाला ये एक डाई था, ठीक है, और इसको भी कलर करने में यूज करते थे। और एक होता है लाक, लाक आप जानते होंगे, जरूर देखे होंगे, ऐसे ब्राउन कलर का एक रेजिन होता है ना, ये एक्चुअली इंसेक्ट से निकलता है, एक लाक इंसेक्ट होता है, उसका नाम है लैसिफर लेका, लाक इंसेक्ट, छोटे छोटे उसके इंसेक्ट होते हैं, वो अपनी बॉडी से सिक्रेट करते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, पेड़ों का रस पीते हैं, जिंदा रहते हैं, और लाक सिक्रेट कर देते हैं बॉडी से, और लाक जो है पेड़ों में जम जाता है, जैसे स्टी के पतले पतले इनके चारों तरफ से जम जाता है लाक, उसको निकाल देते हैं, उसको थोड़ा प्यूरिफाई करके पिघलाते हैं, तो गर्म करके जब पिघलाते हैं ना तो इतना मजबूत चिपचिपा चीज बनता है कि उससे किसी चीज को चिपका दोगे तो खुलेगा तो नहीं, टूट जाएगा, खुलेगा नहीं। इसको आप जरूर देखेंगे, आप लोग कई बार अगर गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में जाएंगे तो लिफाफे को चिपकाने के बाद उसमें ऐसे गर्म करके एक ऐसे लगा करके उसको ऐसे ठोक के सील करते हैं, आप देखे होंगे, उसको चपड़ा कहते हैं, चपड़ा, तो वही चीज है लाख से बनता है, तो वो भी कलरिंग एजेंट के रूप में, चिपचिपे चीज के रूप में भी यूज होते हैं। तो आप सोचिए कि इन सब चीजों के बारे में जो है अथर्ववेद में लिखा गया है, जो आज से 1000 साल पहले दिया गया था। सम अदर सब्सटेंसेस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी, टिंटिंग मतलब जो कलर कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी वेयर, देखिए आप यहां पर नाम समझिए, कंपलसिका, इसका नाम है कंपलसिका, पतंगा और जदुका, ये तीन और चीजें हैं जो ज्यादातर ये प्लांट से निकाले जाने वाली चीजें हैं। अब इनके बारे में भी ज्यादा डिस्क्रिप्शन कहीं पर नहीं मिलता है,
लेकिन लोग इनके इनको यूज करते थे ऐसा जिक्र जो है अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में शायद इनके बारे में कुछ और ज्यादा नॉलेज दिया होगा, लेकिन अभी फिलहाल बुक्स वगैरह में या कहीं भी इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है कि क्या चीजें थी। ठीक है, बाकी कुछ चीजें तो मैंने आपको बताया है ना। आर्पीमेंट के बारे में बताया मैंने, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड नाम का एक पीले रंग का पिगमेंट है, और कॉकिनियल ये इंसेक्ट से निकाला जाने वाला पिगमेंट है। तो इन चीजों के बारे में आप जानते हैं। इसको हड़ताल कहते थे, हड़ताल, इसको कर्मीज कहते थे, कर्मीज, ठीक है, हिंदी में कर्मीज। ये हड़ताल है और ये कर्मीज है, ये पीला पिगमेंट है, ये शायद लाल कलर का पिगमेंट है। वराहमिहिर बृहद संहिता गिव्स रेफरेंसेस टू परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। अभी कुछ देर पहले हम वराहमिहिर के बृहद संहिता के बारे में एक और चीज पढ़े हैं। यहां पर देखिए कि ये खुशबू वाली चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं। रेसिपीज फॉर हेयर डाइंग वेयर मेड फ्रॉम प्लांट्स। देखिए आज जो हम हेयर डाई करते हैं, मैंने किया हूं, मेरा प्योर ब्लेक है, नेचुरल ब्लेक है। जो बाल डाई करते हैं वो केमिकल के बने हुए हैं। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, आपने घर में देखा होगा आपकी माताश्री मेहंदी लगाती है बीच बीच में बाल में, तो मेहंदी भी कलर करने का एक प्रोसेस है बाल का, और साथ में बाल का हेल्दी भी रखता है वो। तो इन्होंने हेयर डाइंग को प्लांट के एक्सट्रैक्ट से निकालना शुरू किया, लाइक इंडिगो। इंडिगो किसको कहते हैं पता है, ये नील है, नील। एंड मिनरल्स लाइक आयरन पाउडर, ब्लैक आयरन और स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सोर राइस ग्रेन। तो इन्होंने बाल कलर करने के लिए या और दूसरे चीजों में कलर करने के लिए हम इंडिगो यानी नील का प्रयोग, हम कपड़े को नील करते हैं पता है आपको, या फिर आयरन पाउडर है, ब्लैक आयरन है, स्टील है, एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ सोर राइस ग्रेन। ग्रेन का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है। तो जो राइस के टुकड़े थे जो खट्टे हो चुके हैं उनके, मतलब उसमें मॉइस्चर आ गया तो खट्टा हो जाता है वो, उससे एसिडिक एक्सट्रैक्ट निकाल करके उनको हम डाई बनाने का, कलर करने के लिए, बालों को कलर करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। गंध युक्ति, देखिए यहां पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एक गंध युक्ली लिखा है, एक्चुअली गंध युक्ति है, ये टी है, ठीक है। दो तीन मैंने प्रिंट मिस्टेक पकड़ा है अभी तक, इसमें एनसीईआरटी में बताते जाऊंगा कहां कहां पर है। गंध युक्ति डिस्क्राइब्स रेसिपीज फॉर मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर्स, इंसेंस एंड टेलकम पाउडर। तो जितनी खुशबू वाली चीजें हम लोग यूज करते हैं, जैसे सेंट यूज करते हैं है ना, माउथ परफ्यूम्स, आप माउथ फ्रेशनर यूज करते हो ना वो, बाथ पाउडर्स, ठीक है, मतलब नहाने के बाद टेलकम पाउडर, बाथ पाउडर, सेंट, ये सब जो हम लगाते हैं उसके बारे में, मतलब जितने भी स्मेल देने वाली चीजें, खुशबू देने वाली चीजें हैं, उनका जिक्र किया गया है। गंध युक्ति नाम का एक बुक लिखा गया, सोचिए कि केवल एक बुक इस बारे में लिख दी गई कि हम कैसे कैसे चीजें अपने शरीर में इस्तेमाल कर सकते हैं जो बढ़िया खुशबू दे सकती हैं। पेपर वॉज नोन टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी इज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स इत्सिंग डिस्क्राइब्ड। देखिए चाइना से बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आए पढ़ने लिखने के लिए, जैसे वेनसांग है, फाहयान है, इत्सिंग है। तो इत्सिंग ये एक व्यक्ति का नाम है, इत्सिंग है ना, इन्होंने बताया कि इंडिया में जो पेपर यूज किया गया बाद में वो चाइना के सिस्टम से यूज किया गया, मतलब चाइना में पहले पेपर बना, उसको इत्सिंग ने भारत लाया और भारत में उसका सिस्टम बताया है। उससे पहले भारत वाले लोग जो है स्क्रिप्ट लिखते थे, तो वो क्या में लिखते थे पता है, पेड़ों की छालों में लिखते थे। एक पेड़ होता है भोजपत्र, वो भोजपत्र जो है पेड़ का छाल होता है एक्चुअली, तो छाल में बाद में लिखते थे पहले, फिर बाद में पेपर जो है चाइना से आया। एक्सलेशंस एट तक्षशिला इंडिकेट दैट इंक वॉज यूज इन इंडिया फ्रॉम 4th सेंचुरी। तो भारत में 14वीं शताब्दी से, मैंने ईयर ऑफ 300 है ना, आज से 1700 साल पहले जो है पहली बार इंक का प्रयोग किया गया। कलर्स ऑफ इंक वेयर मेड फ्रॉम चॉक, रेड लेड एंड मिनिमम। तो इन चीजों से इन्होंने इंक का निर्माण किया। अब ये मिनिमम क्या चीज है, इसके बारे में मैंने सर्च किया कि ये मिनिमम क्या चीज को लिखा है। तो ये जो है ना, ये किसी केमिकल के बारे में जिक्र किया है, या तो यहां पर प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं चल पाया कि मिनिमम क्या चीज को लिखा गया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कलर जरूर बनाया, चाक से, रेड लेड से, इन सब चीजों से कलर बनाया, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। अपन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो बिल्कुल आप घबराए ना, मैं आपके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा, इसमें हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा हिंदी इसमें चिपकाऊंगा, इसी चीज को हिंदी में और थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। मैं इंग्लिश वालों को भी थोड़ा सा हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एकदम इंग्लिश में बोलना
वो थोड़ा फ्लो भी नहीं ला पाता है, दूसरा ये कि वो समझने में भी दिक्कत करता है आपको, फिर उतनी मेहनत करना पड़ेगा उसको समझने में। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा हिंदी में ही डिस्क्राइब किया है, लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश वाले हो तो पढ़ सकते हो, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सर्च करने के लिए आपको मैंने लिंक भेजा है, और फेसबुक व्हाट्सएप में भी मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ। अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है बॉस, तो पीपीआई इसको जरूर शेयर कर दे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, आप चैनल ये इंडस्ट्री वाला चैनल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। थैंक यू, बाय।